स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मीरा वहां भी नहीं है, गई कितने मीरा, कहीं छत पे तो नहीं गई, देखता हूं जाके। तू अकेली की कर रही है? वो कुछ नहीं वीर जी, वो ठंडी ठंडी हवा के नाल मीठी मीठी खीर के मजे ले रही हूँ बस। ये तो आप सब लोगों ने कमाल ही कर दिया, इतनी अच्छी तैयारियां की। चाचू हमने सोचा आपके वास्ते कुछ अलग बनाते हैं, अंग्रेजी खाना ते पंजाबी तड़का, क्यों? निहाल चाचू, पिज्जा ना मैंने बनाया पराठों दे नाल, वो आइडिया ना वीर जी ने दिया मैनू। आप लोगों को पता नहीं है, इतने सालों बाद आप सबके साथ बैठकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ऐसा लग रहा है खुशी और स्वाद के मारे आज दो निवाले ज्यादा जाने वाले हैं पेट में। निहाल पुत्र, हम सबको माफ कर दे, हमारी वजह से तूने कल ही इतनी सजा काटी, अपनों से दूर पता नहीं क्या क्या झेला होगा तू। साईं जी, कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अब आप देखो ना, ये सब कुछ मुझे मिला भी तो है। हाँ जी, पंजाबी तड़के वाला अंग्रेजी खाना भी तो मिला है। अब खाना शुरू करें? बस सही जी। अरे खाना पड़ेगा, सब खाना पड़ेगा तेरे को। अरे ये तो मेरा मनपसंद है। रतन ने बनाया है। चाचू कैसा लगा पिज्जा? बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए अपने हाल चाचू, जल्दी जल्दी केक काटिए। ठीक है तू कह रही है तो मैं केक काट लेता हूँ, पर एक शर्त है, केक काटने के बाद इसे खाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ खाऊंगा चाय जी के हाथ की बनी खीर। देखा, मैंने तेरे को पहले ही बोला था ये केक शेक नहीं खाने वाला है। हाँ। वो कह रहा चाय जी, केक से मुंह तो मीठा हो जाता पर मजा नहीं आता। बिल्कुल सही कहा तूने, होने बना के लाई मैं अपने पुत्र के वास्ते खीर। चाय जी मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आपकी मदद कर देती हूँ। चंगा। निहाल चाचू, इतने सालों तक हमने आपको बहुत मिस किया, वेलकम बैक। कुलदीप तू यहाँ अचानक कैसे? तू भी तो अचानक बिना किसी नु बताए आ गई हैं? अरे पापा कुलदीप, छत में कोई देख लेगा ना तो सब खड़ा हो जाना है। नहीं ऐसे ही अच्छा लग रहा है, वो कोई नहीं देखेगा, सब नीचे खुशियां मना रहे हैं। अरे ये वीरा कहाँ चली गई? वीरा
राकड़ी। यहाँ तो अपने कमरे में भी नहीं है, पता नहीं कितने चली गई है। हाय, एक चांद वहाँ है और एक चांद यहाँ। मीरा वहाँ भी नहीं है, गई कितने मीरा, कहीं छत पे तो नहीं गई। देखता हूँ जाके। क्या है ना वीरा, मैं खीर बनानी नहीं आती, लेकिन मैं खिलाता बड़ा कमाल का हूँ। हैं? तू अकेली की कर रही है? वो कुछ नहीं वीर जी, वो ठंडी ठंडी हवा के नाल मीठी मीठी खीर के मजे ले रही हूँ बस। वीरा तू यहाँ खीर खा के मजे ले रही है और मैं तेनू हर जगह ढूंढ रहा हूँ। अब चल यहाँ से, चल जल्दी आ जा। ओए मैं उठा देता। आ जा। से आई? हाँ। तो तुमने मुझे सच में लटका दिया था एकदम। बचपन में पेड़ों पे भी कभी मैं इतना नहीं लटका जितना तेरे लिए लटकना पड़ता है मैनू। जिंदगी पर लटकने के लिए तैयार हो जा बलदेव। निहाल चाचू, वैसे तुमने लटकने के अलावा कुछ और भी सोचा इस रिश्ते के बारे में? एक्चुअली निहाल चाचू, अभी हम एक दूसरे के नाल वक्त बिताकर एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहते हैं। गुड। वैसे एक दूसरे को जानने के अलावा तीन चीजें याद रखना, भरोसा, धीरज और एक दूसरे के साथ तालमेल। अगर ये चीज रही ना तो रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। बाकी तुम दोनों तो समझदार हो ही। कमाल का ज्ञान दिता आपने चाचू। हाँ मतलब हम तो वैसा ही करेंगे। वैसे मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं आया था, तुझे बुलाने आया था। तेरे बीजी पापा जी इंतजार कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, तू चल। खाना बहुत चंगा था जी, मैं तो ज्यादा ही खा गया था। आप लेकिन शर्मा के खा रहे थे, मैंने देखा। वीरा नु जो खास चीज देनी थी मैनू वो तो दे ही नहीं पाया। मैं जाने का वक्त भी हो गया, कैसे करूं मैं? बलदेव पुत्र, तू किसका इंतजार कर रहा है बैग गड्डी में? वो क्या ना, मेरी बाइक अत है, तो एक काम करो आप लोग जाओ जीप में, मैं आता हूँ बाइक से। आओ जी। अच्छा फिर चल, मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ, काम खा तेनों अकेले जाना पड़ेगा। आजा। नहीं नहीं बीजी, आप क्यों तकलीफ कर रही हो? हैं, आप एक काम करो ना, आप आराम से जीप में जाओ, मैं आता हूँ ना अपने आप। तो तकलीफ वाली कौन सी गल है, पास में तो जाना है, और वैसे भी जीपड़ी में कौन सी खाट लगी है मेरे लिए आराम के लिए। तू आ जा, माँ पुत्र ना साथ में चलेंगे फटफटिया पे। आ जा सरपंच जी, तुसी निकलो, मैं बलदेव नाल आई। जो हुकम जी। गुंजन, निहाल चाचू के साथ सुलह करने के बाद ना मेरे दिल में बहुत ठंडक पहुंची है, बहुत बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। जानती हूँ तेरी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है मैंने। पता है रणवीर, कल तक मैं बिना निहाल चाचू को गलत समझती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से वीरा ने समझाया, मैंने एहसास हुआ है कि वो गलत नहीं है। हाँ एक गलती हुई थी उनसे जिसका पश्चाताप वो कर चुके हैं,
लेकिन मैंने बहुत खुशी हुई कि तूने उन्हें माफ कर दिया। सच में बहुत सही और बड़े दिल वाला कदम उठाया तुमने रणबीर। अब तूने मुझे बहुत कुछ उठाते हुए देख लिया, अब एक और चीज उठानी है। बहुत कुछ उठा लिया तूने, चल सो जा। अब सोने से पहले एक जरूरी काम बाकी है। अब की ये ले तेरा कंबल। शुक्रिया जय जी। कीगल पुत्र, इन्ना क्यों मुस्कुरा रही है? कंबल ही तो दिया मैंने। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए जी, वो ऐसे ही। पता है मेरे को रतन, जब से ये मामला सुलझा है तब से तू बहुत खुश है। एक गल दसूं, जब दिल खुश होता है ना रतन पुत्र, तो चेहरे पे खुशी आ ही जाती है, और तेरे चेहरे से तो मुस्कुराहट जा ही नहीं रही। सच कहूं चाहिए जी, ये मुस्कुराहट मेरे रणवी के खुश होने की है। आज इतने सालों बाद मेरे पुत्र नु इस नफरत की आग से राहत मिली है। देखा नहीं आपने कितना खुश हो रहा था? ऐसे लग रहा था जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। चाहे जी, खुशियों ने एक बार फिर से अपना रुख हमारे घर की ओर मोड़ लिया है। जी का लाख लाख शुक्रिया, सब कुछ सही हो रहा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।